हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रंजीत फिटनेस। मैं रंजीत आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे रंजीत फिटनेस पे। आज मैं जो मार रहा हूँ वर्कआउट करूँगा वो है चेस्ट का वर्कआउट। बहुत हार्ड वर्कआउट होगा, आप लोग देखिए। पहले मैं स्मिथ मशीन में इंक्लाइन बेंच प्रेस मार रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा कम वेट लिया हूँ, मैं फर्स्ट सेट मार रहा हूँ। उसके बाद मैं सेकंड सेट में थोड़ा वेट बढ़ाऊँगा, थर्ड सेट में भी वेट बढ़ाऊँगा। मेरा एक सेट कंप्लीट हो गया। अब मेरा सेकंड वर्कआउट होगा इंक्लाइन मशीन प्रेस। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके ज़्यादा वो रेपिटेशन नहीं, 10 to 12 रेपिटेशन माना है आप लोगों को, ठीक है? तो बहुत ही लगेगा। और देखिएगा फ्रेंड्स, इंक्लाइन ये करने के बाद कैसा मेरा पंप होता है। इसको भी मैंने 3 सेट का किया है, 10 से 12 रेपिटेशन का। मेरा थर्ड वर्कआउट है इंक्लाइन डंबल प्रेस। मैं इसमें 20 किलो लिया हूँ, 20-20 करके वेट लिया हूँ। इसके बाद मैं सेकंड सेट में और मैं वेट गेन करूँगा, उसके बाद थर्ड सेट में मैं और वेट गेन करूँगा। आपको 10 to 12 रेस माना है। मैं यह में क्यों ना मारूँ, मेरा बैलेंस ठीक रखने के लिए मैं इसलिए मैं 2 साइड में कर रहा हूँ। इसको भी आपको 10 से 12 रेप्स करना है, ठीक है? जैसे भी हो 10 से 12 रेप, हेवी वेट लेना है। हेवी वेट लेने के बाद 10 to 12 रेप्स करना है, ओके? इसके बाद मेरा चौथा वर्कआउट होगा, देखिए फ्रेंड्स, मेरा पंप क्लोज ग्रिप इंक्लाइन डंबल प्रेस। क्लोज ग्रिप इंक्लाइन डंबल प्रेस फ्रेंड्स, ये ऐसे पूरा धीरे धीरे ऐसे पूरा डंबल दोनों को एक साथ में करके ऐसे करके क्लोज करके नमाना है, और अपर चेस्ट में नमाना है, वैसे करके उठाना है, ठीक है? जितना उठे उतना उठाना है, ऐसे करके आपको इसको भी आपको 10 to 12 रेप्स करना है। मेरा 5th नवंबर वर्कआउट होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा चेस्ट का पंप देखिए पूरा एकदम इंक्लाइन पूरा भर गया मेरा, ठीक है? आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी बहुत इंप्रूव मिलेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा जो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। और मेरा 5th नंबर वर्कआउट है इंक्लाइन डंबल फ्लाई। ये थोड़ा दूसरे टाइप का फ्लाई है, आप देखिएगा, आप फॉलो कीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। धीरे धीरे नमा के और ऊपर में देखिए आप कैसा होता है। ये ऊपर में देखने के बाद आपको पता चलेगा। थोड़ा धीरे धीरे करके नमाना है और ऐसे करके उठाना है, ठीक है? इसको भी आपको 10 to 12 रेप्स करना है फ्रेंड्स। आपको आप लोगों को इतना ज़्यादा पंप होगा ना, आप लोग चौंक जाएंगे जे ऐसा पंप क्यों हुआ, ऐसा पंप कैसे हुआ। हार्ड वर्कआउट है, अगर कर पाएगा तो ही पूरा वर्क कीजिएगा, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, मेरा इंक्लाइन का पंप देखिए, बहुत अच्छा पंप हुआ, ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा दोस्त लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स? मुझे बोलना नहीं आता है थोड़ा ज़्यादा, इसलिए मैं ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूँ। इसके बाद मेरा फ्लैट मशीन प्रेस माना है, इसलिए इसके बाद मुझे फ्लैट मशीन प्रेस करना है। पूरा मैंने 100 किलो लिया है इसमें, इसको भी आपको 10 to 12 रेप्स करना है, पूरा स्लोली ऐसे करके करना है, ठीक है? नेगेटिव रेंज माना है हम लोगों को, ठीक है? फिर उसके बाद मेरा वर्कआउट है ये फ्लैट चेस्ट प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस। ये फ्लैट के पहले मैंने इंक्लाइन मारा, उसके बाद मैं फ्लाई मारा, डबल प्रेस मारा, क्लोज ग्रिप मारा, फ्लाई मारा, अभी मैंने मशीन मारा, उसके बाद मैं ये मार रहा हूँ बेंच प्रेस मार रहा हूँ। उसके बाद मेरा लास्ट चेस्ट का वर्कआउट है पैरेलल डिप्स। पैरेलल डिप्स ऐसे करके 10 to 12 रेप्स करना है आप लोगों को। धीरे धीरे नामना है, ऐसे उठना है, और एल्बो को थोड़ा वाइड करके देना है, एल्बो को क्लोज नहीं करना है, एल्बो को थोड़ा वाइड करके देना है, तो आप लोगों को चेस्ट का नीचे लोअर चेस्ट का कटिंग बहुत अच्छा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू वॉचिंग करने के लिए, थैंक यू फ्रेंड्स।